ये स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग फायर सेफ्टी प्रोग्राम फायर सेफ्टी प्रोग्राम आप सबको मालूम है कि ये हैजेसमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का सब पार्ट है इसमें हमने ये देखना है कि एन इफेक्टिव वे टू डिप इम्प्लीमेंट एंड मेनटेन अम्प्रीहेंसिव फायर सेफ्टी प्रोग्राम इज टू एस्टेब्लिश क्रॉस फंक्शनल फायर सेफ्टी कमेटी अगर आप चाहते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फायर सेफ्टी कमेटी डिवेलप की जाए ताकि दोबारा से या फाइल के रिलेटेड इश्यूज पैदा ना हों तो उस कमेटी की मदद से आप इन चीज़ों को पॉलिसी की शक्ल दे के कंट्रोल कर सकते हैं क्रॉस फंक्शनल मीन दैट इट शुड बी हैव फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन विद वेदियस फंक्शनल यूनिट प्रोडक्शन फाइनेंस अकाउंट्स एच आर एम मार्किटिंग इन सब डिपार्टमेंट से लोग लेके कमेटी बनाएं और उनकी ओपिनियन को जहन में रखते हुए आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइल को कंट्रोल करने के हवाले से इम्प्लाईज की हेल्थ सेफ्टी के हवाले से पर्टिकुलर इंप्लाई की सेफ्टी के हवाले से पॉलिसी बनाए फिर उसको इम्प्लीमेंट करें फायर सेफ्टी प्रोग्रामिंग आईज एंड ईय ऑफ द्रॉड क्रॉस सेक्शन वर्क फोर्स ऑन फायर सेफ्टी नंबर टू इट एनश्योर अ ब्रॉड बेस ऑफ इनपुट एंड इट एनश्योर एग्जैक्टिव लेवल कमिटमेंट इसमें दो पॉइंट हैं फंक्शनल लेवल इंप्लाइज मिडिल लेवल इम्प्लॉज़ और टॉप लेवल एम्प्लॉइज़ जब ये सारे इम्प्लॉज़ डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होंगे तो इसको हम डी डिसीजन मेकिंग कहते हैं और जब ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगी ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट बेटर होंगे क्यों बेटर होंगे कि डिसीजन में फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल सारे लोग शामिल हैं डिसीजन करने वाले डिसीजन इंप्लीमेंट करने वाले और डिसीजन के मुताबिक काम करने वाले जब ये सारे लोग कमेटी का हिस्सा होंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के जो प्रोग्राम्स हैं पॉलिसीज हैं उनके रिजल्ट बेटर अचीव होंगे एक्सक्लूसिव हैजर्ड्स ये एक एक्सप्लूसि से टॉपिक है बादशन में आपको मालूम है किसी वजह से आग लग जाती है और बहुत ज्यादा हैवी लेवल पे चली जाती है अ फ्लेमेबल सब्सटेंस इन एनी सब्सटेंस विद फ्लैश पॉइंट टू बिलो एंड अ वेपर प्रेशर सबस्टेंट्स विद्लैशी पी एस आई एट देशर अब यहाँ पे जो उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन बयान कर रहे हैं एक्सप्लोसिव हैजर्ड्स की लेकिन क्वेश्चन ये है अगर फ्लेम आपकी स्पेसिफिक लेवल से क्रॉस कर जाती है हम उसको एक्सप्लोसिव बोलते हैं ये कई तरह से हो सकता है आग की वजह से हो सकता है गैस की वजह से हो सकता है आपने सिलेंडर के अक्सर एक्सप्लोसिव देखे होंगे धमाके देखे होंगे अचानक हो जाते हैं अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये होते कैसे हैं आपने किसी ऐसी जगह फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंडर है वो उसको नीचे आप हीट देते हैं जबकि हीट नहीं देनी हीट देने से वो एक्सप्लोसिव मटेरियल बन सकता है इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में एक्सक्लूसिव मटीरियल आपके लिए नुकसानदेह बन सकते हैं तो आपने इन चीजों को इंश्योर करना है कि वो चीज़ कंट्रोल में हो और उसके एस ओ पी के मुताबिक हो ताकि वो हमारे लिए नुकसानदेह ना हो द फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑफ सफिशिएंट वेपर टू कम्बाइन विद एयर टू फॉर्म एन इग्निटेबल मिक्सचर इग्निटेबल मिक्सचर अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑटो टेम्परेचर है लोएस्ट टेम्परेचर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी प्रोडक्ट के नीचे जब टेम्परेचर को आप इनहांस करना शुरू कर देते हैं तो एक लेवल से ऊपर चला जाता है उस वजह से ये एक्सप्लूसिव किस्म की हैजेट पैदा हो सकते हैं तो आपने ये देखना है पर्टिकुलर कि जितना टेम्परेचर उसकी रेंज में रहना चाहिए उतना ही आपका उसकी रेंज में हो तो आपके उससे रिजल्ट अचीव हो सकते हैं वरना आपके डिजायर रिजल्ट अचीव नहीं हो सकते एक्सप्लूसिव हैजर्ड्स के अंदर ये भी देखा गया है इन मोस्ट केसेस में

मैनेजेबल हैं बेटर वे में मैनेज हो रही हैं तो आप इनके रिजल्ट अचीव कर लेंगे अगर ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं और टेक्निकली बहुत आगे निकल जाएं ये इनको कंट्रोल करना मुश्किल है तो वहां पर डेफिनेटली एक्सप्लोसिव हैजर्ड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अब कम टू द कंक्लूजन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन फायर फाइटिंग ऑप्शन वो क्या देते हैं कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में अगर फायर आ जाती है आग लग जाती है देन वट यू हैव टू डू देर आर थ्री ऑप्शन अवेलेबल टू दैट विश टू हैव देर इंप्लाईज पार्टिसिपेट इन फायर फाइटिंग आपके जो इम्प्लाई फायर फाइटिंग में हिस्सा ले रहे हैं उनके पास तीन ऑप्शन हैं नंबर वन आल इम्प्लाईज आर इन्वॉल्व क्या सारे इम्प्लाई उसका हिस्सा होंगे कि आग बुझाने में लग गए हैं सारे इंप्लाई फर्स्ट लेवल मिडल टॉप या ओनली डेजिग्नेटेड इंप्लाईज आर इन्वॉल्व या कुछ इंप्लाई आपने रखे ही इस काम के लिए हैं कि इन केस ऑफ एन फायर दे विल कंट्रोल दैट फायर यह सेकेंड पॉइंट है और लास्ट ओनली एम्प्लॉज़ हु आर पार्ट ऑफ़ एन इस्टबलिश्ड फायर ब्रिगेड आर इन्वॉल्व कि जो इस्टैब्लिश्ड फायर ब्रिगेड के लोग होंगे जो मुख्तु सर्विस में एक्सपर्ट हैं क्या वो आके आग बुझाएंगे ये तीनों चीज़ों में डी स्टूडेंट्स हमने देखना है कि जो भी आर्गनाइजेशन की पॉलिसी है उसके मुताबिक इन लोगों को अपना रोल प्ले करना चाहिए ताकि आर्गनाइजेशन में अगर फायर के रिलेटेड कोई केस पैदा हो जाए हम उसको बेटर वे में कंट्रोल कर सकें